हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है चंबल फर्टिलाइजर का। और चंबल फर्टिलाइजर की बात क्यों कर रहे हैं, देखा जाए तो आज जिसने जहाँ पे क्लोजिंग दी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, और जिस पैटर्न को इसने क्रॉस कर लिया है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बात करें तो अब जो हमारा चैनल पैटर्न बनता है, तो ये देखें तो ये लेवल्स आपका यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं देखें तो अब ये वाला देख लें, या मैं थोड़ा सा इस ग्रीन कैंडल को और क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो पिछला क्लोजिंग ये वाला हुआ था, उसके ऊपर ही देखें तो आपको पूरा ग्रीन कैंडल जो है इसी के ऊपर बनता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा स्टॉप लॉस यदि आपको लगाना हो तो आपको यहाँ पे 516 का, या मैं बोलूँ तो ये चैनल जो है 512 का एक अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है। इसके साथ यहाँ बाइंग करते हैं तो ये जो आपका देखे तो यदि क्लोजिंग कल की क्लोजिंग जो है इस वाले कैंडल के ऊपर, यानी 134 135, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चैनल के ऊपर जो है क्लोजिंग मिल जाती है, तब जाके आपको जो है एक अच्छा मूव जो है 7568 की तरफ देखने को मिल जाएगा। ये लेवल्स आपको अचीव होता हुआ दिखाई देगा। अब वेट करना है कि 36 के ऊपर क्लोजिंग दे और यहाँ से जाए। जैसा कि पैटर्न दिख रहा है तो मुझे लगता है कि आपको क्या करना है कि इस चैनल के अकॉर्डिंग जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है इसी के आसपास, जैसे कि 512 का, और इसी चैनल पर आपका सपोर्ट लेते हुए ये निकलता है तो फिर ये जो है आपको ये यहाँ ऊपर जा सकता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा इस चैनल पैटर्न को। और इसके पहले भी देखा जाए तो यहाँ पे ये देखा जाए तो इस चैनल पैटर्न का जब देखिए टूटा था तो फिर नीचे के लेवल देखने को मिले थे, तो ये आपका एक पैटर्न हो जाता है। तो जो भी हाई मिलेगा इस चैनल के ऊपर, जो भी हाई मिलता है वहां पे आप निकलने की कोशिश कीजिएगा। सपोज करो 36 इंट्राडे में यहाँ पे कल ही यदि पार करता है तो कल का टारगेट क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ कहूँ कल का टारगेट जो है आपका करीब करीब देखा जाए तो 550 तक जा सकता है। यदि 36 कल निकलता है तो फिर ये अच्छा खासा जो है 550, और हो सकता है कि 555 तक के टारगेट इसमें देखने को कल मिल सकते हैं। तो अच्छा टारगेट कल अचीव हो सकता है, बशर्ते कि ये 536 के ऊपर निकले तो फिर ये इसको टच करके हो सकता है नीचे आ जाए, लेकिन इसको टच करेगा तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब बात करें तो इसका फंडामेंटल देखें तो शेयर्स जो भी हम डिस्कस करते हैं उसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा होता है। स्टॉक का पी देखें 15 पे है जबकि इंडस्ट्री पी 33 पे है, तो यहाँ पे देखा जाए तो आधे से भी कम वैल्यूएशन पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आरओई देखें तो 15% से अबव 17% देखने को मिलता है, आरओसी 20% काफ़ी अच्छा है। इसके साथ प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है 34% का, और यहाँ पे बात करें तो सेल्स ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। इसके साथ डेप्ट इक्विटी देखें तो 0.26 का है, और आरओई ग्रोथ देखें तो 19% का काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर देखें अर्निंग देखें तो काफ़ी बढ़िया निकल के आता है 33-34 रुपीज़ के आसपास का। बुक वैल्यू भी देखें तो बुक वैल्यू के 2.91 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी अदर यदि फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे सबसे सस्ता जो है ये दिखाई देता है, वन ऑफ द एक सस्ता शेयर जो है आपको यहाँ पे दिखाई देता है। इसके साथ देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जो पिछला क्वार्टर था उससे काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे देखने को मिला, और पिछला जो जून क्वार्टर था ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो उससे कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिला 15% का। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला ऑपरेटिंग मार्जिन फ्रंट पे, और देखें तो इस जो जून 2021 में हुआ करता था उसके आसपास पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ना एक अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए 11 रुपये का आपको यहाँ पे क्या हुआ अर्निंग देखने को मिला, जो कि हाईएस्ट है किसी भी क्वार्टर का। यहाँ पर देखिए एक बार 12 रुपये सितंबर में देखने को मिला था, उसके बाद देखे तो ये करीब करीब देखे तो यहाँ पे 10 क्वार्टर का सबसे हाईएस्ट आपको देखने को मिलता है 11 रुपये 19 पैसे का, जो कि अपने हाई को अचीव करने जा रहा है। और पिछली बार भी देखे तो यहाँ पे 11 रुपये 4 पैसे का। तो कल में आकर देखे तो रिजल्ट में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू FY23 से हमें देखे तो FY24 में भी अच्छा किया, अब देख रहे हैं तो FY25 में भी अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें इन्वेस्टर की पोजिशंस की, तो यहाँ पे देखेगा कि प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, और देखें 2021 के मुकाबले तो बढ़ाया भी है। FIs जहाँ पर 2021 में 11% था वो 15% हो गया, और पिछले मार्च क्वार्टर के मुकाबले जून में बढ़ाया है। DIs ने भी देखें 7.07 से 7.29 किया, तो यहाँ पे इन्होंने भी बढ़ाया है। और पब्लिक की होल्डिंग देखें तो यहाँ पर 16% और पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो कम होता हुआ नजर आया है। तो कुल मिलाकर देखें तो FIs और DIs जो है यहाँ पर बुलिश नजर आते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो आज का जो वॉल्यूम देखने की कोशिश करें तो आज वॉल्यूम देखें तो 48 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला, जो कि 27 लाख का पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे को था।
वीकली एवरेज 43% का है और मंथली एवरेज 48% का। तो मंथली और वीकली और प्रीवियस डेटा को देखें तो उससे कहीं ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पे देखने को मिला 48 लाख का। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे डेटा शो कर रहा है कि वॉल्यूम भी इसमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ऊपर के लेवल जो है इसमें आके आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा और जो भी डिसीजन लीजिएगा आप जो है अपने ऑन जो भी आप अपना रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, और नहीं तो क्या कर सकते हैं आप खुद रिसर्च कीजिए। इस वीडियो का कुछ लाभ ले सकते हैं तो लीजिए, एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है, आप इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।